प्रियंका गांधी भी वाराणसी पहुंचे। वहां पर संत रविदास मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना के बाद पहले लंगर और फिर बाद में प्रसाद ग्रहण किया, फिर लंगर की सेवा में भी लग गए। ठीक है, लोकल कुछ नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो स्थान है, ये जन्म स्थली है संत रविदास जी की, और आज रविदास जयंती के उपलक्ष में आप देखिए कि यहाँ पे राहुल गांधी और उनके साथ में जो है वो प्रियंका गांधी पहुंचे हैं। इस मंदिर में पहले भी राहुल गांधी आ चुके हैं और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगी दृश्य कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो राहुल गांधी और उनके साथ तमाम जितने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हुए हैं, साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले साल भी आई थी यहाँ पर, और यहाँ के हम आपको जो है रविदास मंदिर के दृश्य दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी जो है वो मंदिर में पहुंचे हैं। यहाँ पर पिछले साल भी यहाँ पर पहुंची थी रविदास मंदिर के अंदर। यहाँ पीछे मैं आपको दृश्य दिखाना चाहती हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी मौजूद है। रविदास जयंती के चलते ही पंजाब में जो चुनाव थे उनको 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को किया गया था, क्योंकि सभी पार्टियों का कहना था कि लोग आके वोट नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पर भारी तादाद में सुबह से ही लोग जो है वो आना शुरू हो गए थे। पिछले दो दिनों से जो है भारी तादाद में ना सिर्फ देश से बल्कि पूरे विश्व भर से लोग यहाँ पे आए, उन्होंने माथा टेका, और यहाँ पर सुबह जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे थे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, और इस समय आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी यहाँ इस समय मंदिर के अंदर मौजूद है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ सुप्रभात, आज तक वाराणसी।